एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के बहराइच से, जहां आदमखोर भेड़िए के हमले में एक बच्ची की मौत हो गई है। तो भेड़िए का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ है, कई भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो भेड़िए बाहर हैं वो कोहराम मचा रहे हैं। एक बार फिर से अटैक किया गया और एक बच्ची की जान आदमखोर भेड़िए के हमले में हो चुकी है। और ऐसे में अभी भी ये चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कहा यही जाता है कि एक भी भेड़िया अगर बाहर है तो कहीं ना कहीं उस इलाके में लोगों की जान खतरे में हो। और ये दावा सच भी साबित होता हुआ दिख रहा है, बुजुर्ग महिला पर भी भेड़िए ने अटैक किया, एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया इस आदमखोर भेड़िए ने। बहराइच में जहां पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त अटैक किया है भेड़ियों ने, कई भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ भेड़िए बाहर हैं और आदमखोर भेड़िए का ये 10वां शिकार है बताया जा रहा है। एक बुजुर्ग महिला को भी भेड़िए ने टारगेट किया है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और महिला पर, बुजुर्ग महिला पर भी अटैक किया, उसे शिकार बनाया भेड़िए ने, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो ऑपरेशन आदमखोर भेड़िया लगातार जारी है, लेकिन अभी भी उनका आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा, भेड़िया अभी भी शिकार कर रहा है। और कहा यही जाता है कि जो वुल्फ होते हैं वो पैक में चलते हैं, यानी भेड़िया झुंड में चलता है, और अगर एक भी भेड़िया नहीं पकड़ा गया तो ऐसे में उस इलाके के लोगों की जान खतरे में रहती है। और यही बात बहराइच में साबित भी हुई है, एक और बच्ची की जान गई है, 10वां शिकार भेड़िए ने किया है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी न्यूज लगातार आपको ऑपरेशन आदमखोर से जुड़ी हुई हर जानकारी दे रहा है। और इन सब के बीच बड़ी खबर बहराइच से आ रही है, 10वां शिकार किया है भेड़िए ने, एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है, वहीं बुजुर्ग महिला को भी शिकार बनाया है, अटैक किया है, हालांकि उसकी जान बताया जा रहा है कि बच गई है, लेकिन महिला बुरी तरह से घायल हुई है, ये बड़ी खबर आ रही है। भेड़िए के हमले में बच्ची की मौत, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बहराइच से। तो लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय होने को आ रहा है जो आदमखोर भेड़िए, उनका आतंक बहराइच और आसपास के इलाकों में लगातार बना हुआ है। इस बीच जो बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं, एक बच्ची को 10वां शिकार बनाया, उसकी जान जा चुकी है आदमखोर भेड़िए ने, बुजुर्ग महिला पर अटैक किया। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि शनिवार की रात को भी एक 8 साल के बच्चे पर अटैक किया था, एक बुजुर्ग व्यक्ति पर अटैक किया था। लगातार इस तरह के हमलों की खबरें सामने आ रही है, सरगर्मी के साथ सारे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, बावजूद इसके जो हमले हैं वो थामे नहीं थम रहे और आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। जी मीडिया संवाददाता राजेश शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, 10वां शिकार किया है भेड़िए ने, अब कितने भेड़िए बाहर हैं और ऐसे में उनको पकड़ने के लिए अब बड़ी चुनौती होगी ये प्रशासन के लिए? निश्चित तौर पर चंदन, यहाँ पर वन महकमे के लिए और जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय बन गया है बहराइच का ये आदमखोर भेड़िया, क्योंकि इस आदमखोर भेड़िए ने अब 10वां शिकार करने के बाद अब 11वें शिकार के लिए इलाके में जरूर मचाएगा, क्योंकि ये लगातार ये ताबड़तोड़ लगातार हमले कर रहा है। बीती रात की अगर बात की जाए तो थाना हरदी इलाके में आदमखोर भेड़िए ने एक जहाँ बुजुर्ग महिला के ऊपर घर में घुस करके उसके ऊपर हमला किया है, उसके बाद एक मासूम बच्ची को शिकार बनाया। जी राजीव, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। Z News।